टू अनदर वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के बारे में। मतलब इतना टाइम हो गया, आपने रिसेंटली एशिया कप की परफॉर्मेंस देख ली होगी, पाकिस्तान में क्या हाल हुआ है भाई। आप श्रीलंका से इतना गंदा वाला हार गए, हमारे स्पेशली हमारे मिडिल ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर ने हमारा जो पीछे से ऑर्डर आया हुआ था ना मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस नहीं करना, अपने अपने लिए खेलो। अभी मैच हुआ रिसेंटली पाकिस्तान और इंग्लैंड का, जिसमें भाई शान मसूद खेल रहे हैं, 50 बना रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उसको गजनी जैसे कोई दौरे पड़ते हैं, वो उसको स्कोर बोर्ड नज़र नहीं आया कि 200 प्लस रन बनाने हैं, वो अपना लगा हुआ भाई मगन पाकिस्तान गया तेल लेने। उसने कहा भाई हटो बच्चों, मैं अपना खेलूंगा। वो अपना टेस्ट मैच खेलता रहा बवासीर बना दिया हो। हाँ, का मिडिल ऑर्डर आया भाई, मिलर्स खेल रहा है, दूसरी जगह पे कोई डी कॉक खेल रहा है। उन्होंने तो भाई यहाँ हमारे भाई, हमारे चचा भाई आए, चाचा इफ्तिकार चाचा आए, और हमारे आ गए खुश दिल, जिनका दिल खुद खुश है और दूसरे के दिलों को उदास करते हुए हैं। तो उन्होंने आए, उन्होंने कहा भाई जानी टेंशन नहीं लेना, मैं खड़ा हूँ। उन्होंने स्टार्टिंग करी, उन्होंने आखिर में नतीजा ये निकला कि उन्होंने 4 ओवर्स खेल लिए और वो 20-25 रन बना के आउट। वहाँ दूसरी जगह इफ्तिकार चाचा, वो उससे बड़े वाले, उन्होंने कहा मैं खड़ा हूँ। वो खड़े रह गए, 10 ओवर हो गए, रन 60 ही रहे। तो ये जिस तरीके का पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है, सब ऑन अ सीरियस नोट, सब अपने लिए खेल रहे हैं। अब आगे क्या पीछे से आप क्या मैनेजमेंट का क्या है, उनका क्राइटेरिया है, क्या स्कीम लेके चल रहे हैं जो हमारी टीम ये बनी हुई है। लेकिन जब खुश दिल खेल रहा था तो सारी आवाम पर्ची का नारे लगा रही थी, और सारे ग्राउंड में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी गया है, और कॉमेंटेटर्स भी कह रहे थे, शान मसूद भी खड़ा हुआ है वो खेल रहे हैं, कि वो खुद कह रहे हैं कॉमेंटेटर्स के लिए नेट पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और वहाँ सिक्स की प्रैक्टिस करें। उस बंदे से एक बाउंड्री नहीं लग रही, वो जो शॉट खेलना हो फिर उसको बिठा के खेलना, वो फिर उसको बिठा के खेलना। तो वर्ल्ड कप 2022 में जिस तरीके से टीम्स उतारी हैं, जो सीनियर्स खेल रहे हैं, चाहे वो आप इंडिया ले लो, चाहे वो साउथ अफ्रीका ले लो, चाहे वेस्ट इंडीज़ हो जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो जाए, आप देखो इनकी टीम्स में सीनियर्स खेल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में कोई भी अभी सीनियर तरीके का नज़र नहीं आ रहा मिडिल ऑर्डर में। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई हमारे मिडिल ऑर्डर में कौन आना चाहिए, कौन से सीनियर्स हैं। भाई आपके पास जो मौजूद है वो शेख मलिक मौजूद है, आपके पास इमाद वसीम मौजूद है, शर्जील है, आपके पास हारिस सोहेल है, आप इनको, इन लोगों ने एटलीस्ट सीरीज़ में खिलाना चाहिए था। अगर वर्ल्ड कप तो दूर की बात, ट्राई तो लेते, मगर वही बात वही आ जाती है कि भाई ये खेलेगा तो मैं नहीं खेलूँगा, वो खेलेगा तो मैं नहीं खेलूँगा। वो भी पुराने क्रिकेट को देखने वाले वो ये बात जानते हैं कि शोएब मलिक हो गए चाहे इमाद वसीम हो गए, ये स्पिनर्स को बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं। लेकिन नहीं भाई, हमें खिलाना चाचा को है, चाचा और खुश दिल को खिलाना है। एक छक्का लगेगा, चौड़े मार दो भाई, बहुत बड़ा काम कर लिया इन्होंने, छक्का दोबारा ट्राई करेंगे आओ। ये हाल अभी आसिफ अली का हो रहा है, आसिफ अली को सिर्फ फास्ट बॉलर्स मिल जाएँ वो बाहर फेंक देंगे, स्पिनर्स में उससे खेला ही नहीं जा रहा। भाई मिडिल ऑर्डर की अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएंगे पाकिस्तान की, तो उसमें भी कोई पत्थर ईंटें घुसी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जैसे मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान और मिसबाह उल हक, ऐसे ऐसे प्लेयर्स थे ये कि भाई ये पिलर बन जाते थे, इसको बॉलें मारते रहोगे ये आउट गिरते ही नहीं थे, कभी आउट ही नहीं होते थे। चलो एक ऐसा ही बंदा रख लो, वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान का फाइनल में छोड़ो, सेमीफाइनल में भी जाने का बहुत मुश्किल से चांसेस लग रहे हैं। इंडियन ओपनर से सीखना चाहिए हम लोगों को, यार कितना भी प्रेशर अगर उन पर डेवलप हो जाता है वो कभी भी स्ट्रेस नहीं लेते, उनको पता है ओपनर्स चले गए, ये जैसे रोहित शर्मा खेल रहा है उनका वो आउट हो गया ठीक है, मगर नीचे उनका मिडिल ऑर्डर चेक करो भाई, आप किसी गिनती में नहीं आते कि आप इंडिया के मिडिल ऑर्डर से कंपेयर कर रहे हो, आप साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर से कंपेयर कर रहे हो। इंग्लैंड ने भी अपने प्लेयर्स को निकलाया, हमारे सिर्फ बॉलर्स नहीं खेले थे, बाकी तो सब वही खेल रहे थे, बैटिंग लाइन वही खेल लिए। तो अगर पाकिस्तान होप्स हो जीत सकते तो अपनी बॉलिंग की वजह से शायद थोड़ा काम दिखा दें। पावर प्ले की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो स्टार्टिंग में मारना है, ये पाकिस्तान ने ये स्टार्टिंग ली थी पहले से क्रिकेट देखता है, जैसे सईद अनवर हो गया, ये सब स्टार्टिंग में इन्होंने इनका ही कॉन्सेप्ट था कि स्टार्टिंग में सब आगे आगे उनके उठा के मारो, अपने बाउंड्रीज को देखो। लेकिन यहाँ अलग ही चल रहा है, अभी यहाँ वो रोके जा रहे हैं, टुक टुक टुक। इंडिया में भी बुमराह के लिए इंडिया में लोगों ने प्रोटेस्ट करा, बोला कि भाई उसको लेके आओ, वो क्यों नहीं खेला एशिया कप में, वो देखो चेंजेस हो गई। तब आप साउथ अफ्रीका का मैच देखें ज़रा, जिस तरीके से उसने स्टार्टअप लिया है मिलर ने, उन लोगों ने कोई टेंशन नहीं ली, और वो एक ओवर में लास्ट जो ओवर बचा था उसमें 36 प्लस रन कुछ ऐसे चाहिए थे, 36 चाहिए थे, उसमें भी एक बॉल मिस हुई थी, उसमें भी बाउंड्रीज मारते थे, 16 रन से हार गया खाली। कम से कम ऐसी बैटिंग लाइन होनी चाहिए थी, और पाकिस्तान में नो डाउट टैलेंट है,
मगर उस टैलेंट की कदर नहीं की जा रही। आपके मुल्क का तो काम हो ही रहा है, काम बच्चे हो रहा है, आपकी टीम का भी हो रहा है फिर काम बच्चे। अगर ये मिडिल ऑर्डर लेके हम लोग वर्ल्ड कप में चले भी गए तो वहाँ से आपको सब चीज़ों की आवाज़ आएगी ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान तक, क्योंकि एक जगह एक ग्रुप में वहाँ अफगानिस्तान को आपने बड़ी टीम के साथ डाल दिया और यहाँ पाकिस्तान, दोनों पिट रहे होंगे। और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को देख के तो मुझे लगता है कि कोई नुस्खे देने चाहिए जानवर बनाने के, क्योंकि इतना कमज़ोर मिडिल ऑर्डर तो भाई। तो भाई सीन ये है कि सारे पाकिस्तानी फैन अपनी टीम को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, इतने महंगे महंगे टिकट्स लेते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि उनकी जो टीम का मिडिल ऑर्डर है, उनकी जो टीम है वो स्ट्रांग हो, ताकि वो जब टिकट लेके जाएँ तो यार कुछ तो एक होना भरोसा हो कि नहीं यार ये अच्छी उम्मीद लेके जा रहे हैं। तो ये मगर मसला पता है क्या है, मसला ये भी नहीं है, वो डर रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता चलो पाकिस्तान हार गया, खुदा ना खास्ता हार गया, एंड में ये ना हो बाबर आजम बोल दे तीसरे में दूँ चौथे में हूँ पोए आएँ,